आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 25 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 1%, 3 महीने में 9%, 6 महीने में इस स्टॉक में 25% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। स्टॉक देखें तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आया। स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल है अराउंड 176 रुपीज के। इस स्टॉक में एक नीचे का एक सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलाएगा। अब इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 200 रुपीज। जैसे स्टॉक 200 रुपीज का ब्रेकआउट देता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगी, परंतु अभी स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते तो 175 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 220 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए वहां पर एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।